Assalamu alaikum dear all, I hope you all will be fine and doing well. I welcome you all to my channel Computer Tech and Solutions. My name is Muhammad Naveed Anjum and we are going to solve the MCQs paper of 2024 and we will be communicating in the Urdu language so that everyone can understand the concept and the answers. So let's start. आज हम 2024 के पेपर के MCQs डिस्कस करने वाले हैं, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। 2024 के पेपर में हमारे पास पहला MCQs, उसमें पूछा गया है विच रजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड डेटा ऑपरेशंस। कि हमारे पास चैप्टर 5 से ये सवाल आया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल होता है अरिथमेटिक और डेटा ऑपरेशंस के लिए। इसके ऑप्शंस को देखते हैं, AX, BX, CX एंड DX, ये चार ऑप्शन हैं हमारे पास। इन चारों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है AX रजिस्टर। AX को हम कहते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर, BX को हम कहते हैं बेस रजिस्टर, CX को हम कहते हैं काउंटर रजिस्टर और DX को हम कहते हैं डेटा रजिस्टर। इन चारों के हम काम बारी बारी चेक कर लेते हैं कि AX किस लिए इस्तेमाल होता है। ये होता है अरिथमेटिक एंड डेटा ऑपरेशंस के लिए। BX इस्तेमाल होता है अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट के लिए और साथ में स्पेशल एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब आपने मेमोरी को, एड्रेसेस को आपने एक्सेस करना होता है तो उसके एक्सेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं BX रजिस्टर। और CX हमारे पास काउंटर रजिस्टर है, ये इस्तेमाल होता है लूप्स के अंदर जब आपने किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं CX रजिस्टर का। DX है डेटा रजिस्टर, ये होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, ये चार हमारे पास रजिस्टर हैं, इन चारों को मिला के हम कहते हैं AX, BX, CX और DX, इन सब को मिला के हम कहते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, जनरल कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। AX अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट के लिए और BX भी अरिथमेटिक डेटा मूवमेंट के लिए और साथ में बेस लोकेशन को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, एड्रेसिंग एबिलिटीज़ के लिए। CX होता है काउंटर और DX है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो MCQ पे चलते हैं। हमसे पूछा गया था कि अरिथमेटिक और डेटा ऑपरेशन के लिए कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल होता है, तो इसका हमने देखा कि AX इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, AX। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, MCQ नंबर 2। MCQ नंबर 2 में पूछा गया है हमसे इफ द कस्टम फॉर्मेट इज 0000, ठीक है, 5 दफ़ा 0 लिखा हो, देन 3-2-1 इज डिस्प्लेड एज। अगर आपके पास 5 दफ़ा 0 हो कस्टम फॉर्मेट में, ये MCQ आया है चैप्टर नंबर 9 से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, अगर कस्टम फॉर्मेट हम के फॉर्मेटिंग देते हुए अगर हम कस्टम फॉर्मेट रख दें, 5 दफ़ा 0 कर दें, तो हमारे पास 3-2-1 कैसे डिस्प्लेड होगा। तो 3-2-1 में हमारे पास 5 नंबर आएंगे, तो पहले जो 2 नंबर होंगे वो होंगे 0-0 और बाकी 3 होंगे 3-2-1। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 0-0, 3-2-1। 5 नंबर हैं क्योंकि हमारे पास 5 0 हमने दिए थे, तो 5 नंबर का आंसर हमें डिस्प्लेड होगा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है विच ऑफ द गिवन इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम, कि इसमें से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है। ठीक है, ये MCQ पुराने पेपर्स में भी आ चुका है, तो अगर आपने पुराने पेपर्स नहीं देखे तो आई रिकमेंड कि पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें से काफ़ी MCQs आपके आने वाले पेपर्स में आते हैं। ठीक है, पुराने पेपर से, इस पेपर में भी 2024 में भी आपके पास सिर्फ 2 या 3 MCQs ऐसे हैं जो पुराने पेपर में नहीं थे, बाकी मोस्टली आपके पास तकरीबन 8 या 9 MCQs पुराने पेपर से दिए गए। ठीक है, आपके पास मतलब टोटल 15 MCQs हैं, तकरीबन इसमें से 10-11 MCQs आपके पास वहाँ से आए हैं, बाकी 3 या 4 MCQs आपके पास जो पुराने पेपर्स में नहीं थे वो आए हैं। तो आई रिकमेंड के पुराने पेपर्स को लाजमी पढ़िएगा, आपको उन सब पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन सब पेपर के सोल्यूशंस। ठीक है, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से उन पेपर्स पर क्लिक करके, उन वीडियोज़ पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो पूछा गया है विच ऑफ द गिवन इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम, इसमें से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है। ट्रोजन हॉर्स ये वायरस होता है, लॉजिक बॉम्ब ये भी वायरस है, रेड लॉफ ये भी वायरस की टाइप है, मैकेफे इसमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो वायरस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी।
सवाल नंबर चार की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर चार में पूछा गया है, वेब पेजेस आर रिटन इन विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, कि वेब पेजेस किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो वेब पेजेस को लिखने के लिए हमारे पास यूज़ होती है HTML लैंग्वेज। चैप्टर नंबर 10 से ये सवाल है, ये भी रिपीटेड है, पहले आ चुका है। तो HTML लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर पाँच की तरफ। पाँच में पूछा गया है, विच मोड डज रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इन MS Word। MS Word वाले चैप्टर से है ये, चैप्टर वन में भी इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि MS Word में कौन सा मोड हम यूज़ करते हैं टू रिप्लेस द टेक्स्ट, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए टेक्स्ट को। तो इसमें हमारे पास है ओवर टाइप मोड, रिप्लेस मोड, इंसर्ट मोड, चेंज मोड, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा ओवर टाइप मोड, जो कि हमारा यूज़ होता है इंसर्ट की के साथ, ठीक है। इंसर्ट की हमने पढ़ा था कि टूगल की है, जिसको हम मोड चेंज के इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड में चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ओवर टाइप। ओवर टाइप मोड में क्या होता है कि आपके पास पुराना जो टेक्स्ट लिखा होता है उसकी जगह पर नया टेक्स्ट आता जाता है। फॉर सपोज आपका कर्सर विच के आई पे है, तो कर्सर अगर आप लिखेंगे तो CH रिमूव होकर आगे नए लेटर टाइप होते जाएंगे। ये है ओवर टाइप मोड। और इंसर्ट मोड क्या है कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ वहीं पे लिखा, वो उसके मतलब कि उसको आगे मूव कर दिया जाता है और नया टेक्स्ट आपका बीच में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप के समझ आ गया होगा आपको। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ओवर टाइप। चलते हैं सवाल नंबर छः की तरफ। सवाल नंबर छः में पूछा गया है, विच ऑफ द गिवन मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड, ये भी रिपीटेड सवाल है, ठीक है। किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है? तो हमारे पास इसमें रैम की टाइप में होती है, रैम को बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। रैम की दो टाइप्स हैं, डी रैम और एस रैम। तो जो डी रैम है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, डी रैम, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर सात की तरफ। सातवें सवाल में पूछा गया, टू कैलकुलेट स्क्वेयर रूट ऑफ सेल D5 द फंक्शन इज, कि D5 सेल है उसका स्क्वेयर रूट फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो स्क्वेयर रूट के लिए फंक्शन होता है SQRT, और फंक्शन हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल साइन से, ठीक है। तो इक्वल SQRT और साथ में ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा D5। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, SQRT, सॉरी ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में हमारे पास है इक्वल टू SQRT D5, ऑप्शन सी में था SQR, तो SQR वाला इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा SQRT स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आठवें सवाल की तरफ। आठवें सवाल में पूछा गया है, अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेटिंग टू बी प्रिंटेड ऑन अ प्रिंटर इज कॉल्ड, ये भी रिपीटेड सवाल है। सातवें चैप्टर से आया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर पे वेट कर रहे होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को हम क्या कहते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को हम कहते हैं प्रिंट क्यू, ठीक है, प्रिंट क्यू कहते हैं हम उसको, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रिंटर के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं सवाल नंबर नौ की तरफ। नौवां सवाल, मोबाइल सिम कार्ड एंड ATM कार्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ, कि मोबाइल सिम कार्ड और ATM कार्ड किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। ये चैप्टर वन से सवाल है। मोबाइल सिम कार्ड और ATM कार्ड हमारे पास एग्जाम्पल हैं स्मार्ट कार्ड की, ठीक है। स्मार्ट कार्ड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 10, आप देख रहे हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा सारे ऑप्शंस को, क्योंकि वो सवाल रिपीटेड है, बार बार पेपर्स में आ चुके हैं। तो अगर आपने उन ऑप्शंस को भी देखना है तो आप पुराने पेपर्स को देख लीजिएगा, उन पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है वन बाय वन। सवाल नंबर 10, विच ऑफ द गिवन कीज इज़ यूज टू कैंसिल एन ऑपरेशन, के कौन सी की इस्तेमाल होती है कोई ऑपरेशन कैंसिल करने के लिए। हमारे पास कीबोर्ड में डिफरेंट कीज़ हैं, तो इसमें के ऑपरेशन को कैंसिल करने इस्तेमाल होती है पॉज की, बिल्कुल भी नहीं, पॉज की होती है रोकने के लिए, और डिलीट की होती है किसी भी करेक्टर को रिमूव करने के लिए या फिर फाइल को डिलीट करने के लिए, और एंटर की होती है नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए या फिर कोई फाइल या मेन्यू ओपन करने के लिए आपका होता है एंटर की, और जो एस्केप की है ESC ये होती है कोई भी ऑपरेशन हो उसको कैंसिल करने के लिए आप यूज़ करते हैं एस्केप की, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, एस्केप। सवाल नंबर 11, इस सवाल में पूछा गया है, विच ऑफ द गिवन इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस, इसमें से कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सी है। UTP,
यूएसबी राउटर या सीडी, ठीक है। इसमें से कम्युनिकेशन डिवाइस यूटीपी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं यूनिवर्सल, ठीक है, हमारे पास ये नहीं होगी, यूएसबी भी नहीं होगी, यूनिवर्सल सीरियल बस ये कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, ये स्टोरेज डिवाइस है, यूएसबी, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस ये हमारे पास डिवाइस भी नहीं है, पोर्ट का नाम है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर पोर्ट होती है उसको हम कहते हैं यूएसबी। राउटर, राउटर हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है जो हम कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए आपस में, राउटर। और सीडी डाटा स्टोरेज डिवाइस है, तो सीडी भी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राउटर। चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12, इस सवाल में पूछा गया है राउटर डिटर्मिनेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच लेयर। चैप्टर नंबर 2 से सवाल है कि राउटर आपका किस लेयर पे वर्क करता है, तो राउटर हमारा वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि ये नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, तो इसका नेटवर्क लेयर पे ज़्यादा इसका होता है, ठीक है, काम नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 13वें सवाल में पूछा गया है विच ऑफ द गिवन डिवाइस यूजेस पैरेलल ट्रांसमिशन, कि कौन सी डिवाइस पैरेलल ट्रांसमिशन यूज करती है। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आपका डाटा एक ही वक्त में बहुत सारा डाटा सेंड होता है बाय यूजिंग डिफरेंट लाइंस, ठीक है, एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं जिसमें आपका डाटा सेंड होता है, तो ये कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करती है। माउस, नहीं, माउस सीरियल इस्तेमाल करता है, कीबोर्ड भी सीरियल करता है, टच पैड भी सीरियल करता है, प्रिंटर हमारे पास एक वाहिद ऑप्शन है जो पैरेलल ट्रांसमिशन इस्तेमाल करता है, जिसमें हम डिफरेंट फाइल्स का को एक ही वक्त में क्या करते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें प्रिंटर इसका राइट ऑप्शन होगा, प्रिंटर पोर्ट जो होती है वो पैरेलल पोर्ट होती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14वें सवाल में पूछा गया है हाउ मैनी करेक्टर्स कैन यूनिकोड रिप्रेजेंट, ठीक है, यूनिकोड हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हम करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे BCD है, EBCDIC है, ठीक है, ASCII है, यूनिकोड है, ये हमारे पास टेक्निक है, इनकोडिंग स्कीम में हमने पढ़ा था ये, तो यूनिकोड में हमारे पास कितने करेक्टर्स होते हैं, इसमें होते हैं हमारे पास 65,536 करेक्टर, ठीक है, ये 16 बिट कोड होता है, यूनिकोड 16 बिट कोड है जिसमें 65,536 करेक्टर होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 15वें सवाल में पूछा गया था प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑटोमेटिक ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि ऑटोमेटिक ऑफिस टास्क परफॉर्म करना कंप्यूटर के जरिए इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन देखें यहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस सपोर्ट, ऑफ डाटा मैनेजमेंट, रेप्रोग्राफिक्स, तो इसमें बच्चे रेप्रोग्राफिक्स और ऑफिस ऑटोमेशन में कन्फ्यूजन रहते हैं। रेप्रोग्राफिक्स क्या होता है, क्रिएटिंग अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसे कहते हैं रेप्रोग्राफिक्स। और ऑफिस ऑटोमेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ही काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, परफॉर्मिंग ऑटोमेटिक ऑफिस टास्क, ठीक है, के ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यूजिंग कंप्यूटर, तो इसका है ऑफिस ऑटोमेशन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हमने सवाल नंबर 1 से लेके 15 तक 2024 का पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस को लाजमी देखिएगा ताकि आपकी पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे उस सवाल के बारे में जान सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज आई विल सी देम। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।